नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। जवानिया कोतवाली परिसर में मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण संकल्प कार्यक्रम अभियान का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस मौके पर फरियादी महिलाओं सहित अन्य महिलाओं व छात्राओं को महिला सशक्तिकरण अभियान से संबंधित जानकारी दी गई। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। महिलाओं का नेतृत्व पूरे विश्व में देखा जा रहा है। कहा कि जन जागरूकता से ही समाज की सोच बदलेगी, जिसकी अलग भी महिलाएं ही जलाएंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सेवाएं 1090, 181, 102 आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर SSI मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक मंजर अब्बास, कांस्टेबल बलवंत सिंह, निर्मल गोविंद, रत्नेश कुमार, मुकेश कुमार, महिला कांस्टेबल पूजा सिंह, शालिनी पाठक आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर सदर कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों कोतवाली क्षेत्र में 2 ATM मशीन को तोड़कर कैश चोरी के मामले का मंगलवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में गिरफ्त में आए तीनों अभियुक्तों को पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते 14 अक्टूबर की रात शहर के महुआबाग स्थित एक्सिस और सकलेनाबाद चौक पर स्थित यूको बैंक के ATM में तोड़फोड़ कर चोरी की वारदात हुई थी। CO ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। इसी क्रम में मंगलवार को सुखदेवपुर चौराहे के पास से पुलिस टीम ने अभियुक्तों करंडा थाना पहाड़पुर गांव निवासी सत्येंद्र मौर्या, सदर कोतवाली क्षेत्र में भुटहिया टार निवासी विमलेश कुमार और नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहरपुर गांव निवासी मनीष विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी का 20,500 रुपए सहित बाइक और ATM तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में सदर कोतवाली प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक तरुण श्रीवास्तव, उप निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, उप निरीक्षक बालेंद्र कुमार यादव, कांस्टेबल प्रदीप कन्नौजिया, कांस्टेबल संजय यादव, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार शामिल रहे। SP ने टीम को उत्साहवर्धन के लिए 10,000 का पुरस्कार भी दिया। करंडा ब्लॉक क्षेत्र में पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। इस बीमारी से भयभीत बड़ी संख्या में लोग जांच करा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को दीनापुर में स्थित रामलीला मैदान में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 160 लोगों की जांच हुई। जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जांच कराने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत सहनी, अमन सिंह, शिवानंद चौधरी, पवन गौतम, खालिक सुधीर पटेल, विकास आकाश पवन, भाजपा युवा नेता हर्ष सिंह आदि मौजूद थे। बीते 14 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के देवचंदपुर में स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने तेल भराने के बाद हुए विवाद के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाब में दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई थी। इस दौरान गोली लगने से जहां देवचंदपुर गांव निवासी त्रिभुवन सिंह 51 की मौत हो गई थी, वहीं गार्ड शिवमरत सिंह 45 घायल हो गए थे। पेट्रोल पंप के मालिक के छोटे भाई अजय कुमार पांडे की तहरीर पर गांव के ही सनी सिंह और ढोलक सिंह के साथ ही 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई थी, लेकिन अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि फरार सनी सिंह और ढोलक सिंह पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया, अब इस राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कचहरी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित जिले के अन्य स्थानों के साथ ही चंदौली जिला में जगह जगह सनी सिंह और ढोलक सिंह का फोटो चस्पा किया गया है। मंगलवार की शाम तक वाराणसी में भी विभिन्न स्थानों पर दोनों का फोटो चस्पा कर दिया जाएगा। बताया गया कि गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही दोनों बदमाश पुलिस के फंदे में होंगे। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा वांछित अभियुक्त और पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देश के क्रम में सैदपुर पुलिस ने देवचंदपुर गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि मंगलवार को दिन में 2 बजे औरिहार रेलवे स्टेशन के पूर्वी उत्तरी छोर से बीते 14 अक्टूबर की रात देवचंदपुर पेट्रोल पंप पर फायरिंग के आरोपी करंडा थाना क्षेत्र के नारी पजदेवरा निवासी लाल बहादुर सिंह उर्फ दीपक और सादात थाना क्षेत्र के देवापार झलरिया निवासी अमन कुमार पांडे उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में उनका चालान कर दिया गया है। कहा कि मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में SWAT टीम प्रभारी श्यामजी यादव, SSI घरानंद त्रिपाठी, कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल कृपा शंकर, कांस्टेबल भाईलाल, कांस्टेबल राज प्रताप सिंह, कांस्टेबल आशुतोष सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह और कांस्टेबल विनय सिंह शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।